एक्चुअली जैसे बचपन से ही मेरे घर वाले कबड्डी से या कोई भी गेम से मना करते थे, वो कहते थे पढ़ ले, पढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है, तू समय को बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बड़े भैया ने मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया कि गांव में कबड्डी खेला जाता है, तू और बाकी गेम पे ध्यान मत दे, कबड्डी खेल। तो मैं चुपके से कबड्डी खेलता था, गांव की टीम में मैं पावरफुल था बचपन से ही, तो मेरे को अच्छा स्कोर रेट में भी मिलता था और डिफेंस में भी मैं अच्छा खेलता था। तो जैसे जैसे मैं फिर स्कूल लेवल पे नेशनल में खेलने लगा, तो फिर बाद में घर वालों को भी मेरे को सपोर्ट मिलने लग गया। मेरे गांव में और कोई गेम है ही नहीं, एक कबड्डी है। तो हमारे जो बड़े हैं वो कबड्डी खेलते हैं, उनको देख के हमने भी बस ये किया है कि कबड्डी हमने भी खेलना है और आगे बढ़ना है। एक्चुअली मेरे बड़े भैया कबड्डी खेलते थे, तो उसको देख के मेरे को लगा कि जब बड़े खेल रहे हैं तो मैं भी खेलूं। तो बड़े भैया ने पारिवारिक जो परिस्थितियाँ रहती हैं, साधारण परिवार से हम संबंध रखते हैं, तो उन्होंने कबड्डी छोड़ दिया, लेकिन उसने पूरा दमखम मुझ पर लगा दिया कि मैं अपने भैया को कबड्डी में ऊंचा लेके जाऊंगा। ये तो हमारे ख्वाबों में भी नहीं था कि कबड्डी इस स्तर पर आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हमारे जो मसाल स्पोर्ट्स है, स्टार स्पोर्ट्स है और हमारी जो फेडरेशन है, उन सब ने मिल के एक ऐसा ढांचा तैयार किया है कि क्यों ना हम इस कबड्डी खेल को टीवी स्क्रीन पर लेके आएँ, क्योंकि ये हमारा ग्रामीण खेल है और इसको हम यदि ऊपर लेके जाएंगे तो इसके लोगों की जो चाह है और बढ़ेगी और सभी कबड्डी खेलेंगे। मैं ये चाहूँगा कि जो मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरे माँ बाप सब कुछ हैं, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के सब कुछ मेरे को दिया है, तो मैं उनके लिए अपना जीवन सब कुछ जो मैं कमाऊँ सब कुछ उनके लिए। कोई भी गेम चूज कर सकते हैं, तो उसके लिए पढ़ाई में यदि बच्चा अच्छा है तो पढ़ो, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर की फिटनेस के लिए उसके लिए कोई भी स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है।